ये भूख बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी इवेंट के बाद, तो क्या फील हो रहा है आपको? रजा भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू जीरो मीटर व्लॉग में। आई होप आप सबको मेरा मेहंदी का और माइयों का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज है मेरा वलीमा और अभी मैं सोया उठा हूँ, अभी मैंने सलून पे जाना है, अभी भाई लोग आए हैं मसहरी वगैरह सजाने के लिए। तो माशाल्लाह ये देखते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम इनका ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने पहले इनसे काम नहीं करवाया, तो अभी भाई कर रहे हैं तो देखते हैं कैसा करते हैं। भाई ये कितनी देर में हो जाएगा? चले डेढ़ घंटा। ओके अभी मैं निकलने लगा हूँ, कपड़े शपड़े अभी रेडी कर लूँ, मैं निकाल लूँ क्योंकि उसके बाद मैंने निकलना है सलून पे। असल भाई वेट कर रहे हैं मेरा, वो जिन्होंने बाल वगैरह फ्रेश करने हैं सारा। जी अभी ये काफ़ी हद तक हो चुका है और अभी जैसे ही रेडी होता है कंप्लीट होता है तो मैं आपको फर्स्ट लुक भी दिखाता हूँ इसकी। ये देखें ज़रा जी, मैं निकलने लगा हूँ पाकिड़ी खा। हाँ हाँ इमरान ठीक है, किस तरह ठीक ठाक है? ओके ओके, अब मैं निकलने लगा हूँ तो आज टाइमली जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़्यादा टाइम वहाँ भी वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी से रेडी होकर भैया फिर आप वापस आना है। हालांकि आज भी मैं टाइमली जा रहा हूँ लेकिन अबू आज भी कह रहे हैं ज़रा फास्ट 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 जल्दी आना है जल्दी, तो अभी इंशाल्लाह मैं निकलने लगा हूँ, भैया का वेट कर रहा हूँ, जैसे भैया आता है तो निकलते हैं। यार अभी मैंने अपनी चीज़ें चेक की हैं तो देखा कि बेल्ट ही नहीं मैंने लिया, अभी बेल्ट लेने आया हूँ कोहनूर में। आज पता नहीं क्यों इतना अंधेरा अंधेरा इधर, शॉप्स वगैरह बंद ही हैं तकरीबन। A few inches later जी बेल्ट वगैरह ले लिए मैंने और अभी मैं जहाँ सेटअप वगैरह लगा है मैं वहाँ आ गया हूँ, अभी रेडी शेडी तो नहीं हुआ लेकिन सोचा बाहर से देखूँ, बड़ी तारीफ हो रही है, सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आगे चलो थोड़ा सा। भाई मुझे कह रहे हैं कि यार अंदर आकर एक बार सेटअप को देखो, कहते फिर रश पड़ जाएगा तो नजर नहीं आएगा, अपने सारे व्यूवर्स को भी दिखाओ। आपके कहने पे आया हूँ मैं, बहुत अच्छा घर की है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अच्छी है बस ठीक, अबू है, अबू ने कहना है कि तू इतने की करना है स्टेज, किधर बैठे? ओके वाह हाँ जी, किस तरह ठीक हो? थैंक यू बहुत आला। ये देखें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत कमाल सेटअप लगा हुआ है, बहुत कमाल, वाह वाह लाइट्स चलाओ तो। ये देख बहुत अच्छा लगा हुआ है यार, है यार बहुत अच्छा है यार कमाल, ये देख वाह यार यार ये तो सरीना होटल बना हुआ है यार। हाँ 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 सरीना होटल बना हुआ है, शाहौली भी बैठे हैं। शाहजी शाहजी मेरा दुल्हा मोहसिन अब्बास जी हैं आप जी, माशाल्लाह 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 कैसा सेटअप लगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मोहसिन साहब, बहुत खूबसूरत, जैसे आप खूबसूरत है ना उतना ही खूबसूरत ये सेटिंग है। और माशाल्लाह आपको मौला जिंदगी के नए सफर की जो आप इनिंग्स खेलने जा रहे हैं इसमें बाफायदे सरकार सैयदा सलाम अल्लाम और सरकार अली के इस पाक जोड़े के सदके मौला आपको जिंदगी के हर सफर में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, माशाल्लाह मोहसिन साहब बहुत बहुत ज्यादा मुबारक। ये आपने लगवाया होगा माशाल्लाह, सिटिंग यहीं पे थे सारे भाई दोस्त, सारे इकट्ठे थे, आपके अबू भी थे, सारे दोस्त थे, चाचू भी थे आपके सारे, और मैं आपका वैसे ही खादम हूँ यहाँ पे था।
जी बाबा जी कैसे हैं? ठीक है बाबा जी, ठीक है, ओके माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत आला बाबा जी। अबू किधर ने? चलो फिर मैं तैयार रेडी शेडी होऊंगा। अच्छा मेरी गल सुनो, एंट्री ते टाइम अनाउंस फिर कर देनी है? सही वही कर देना, आज बिल्कुल ही करनी क्योंकि गैदरिंग जरा आज ज्यादा होनी है। ठीक होगा, ठीक होगा यार। बहुत खूबसूरत है, देखो ये भी दिखाना बच्चों के लिए, ये जूते लेने के लिए गाड़ी भी है। क्या बच्चियों को जूते लेने के लिए गाड़ी भी है ये? ये हमारे इवेंट में, किसी इवेंट में नहीं है गाड़ी के, ये बच्चियों के लिए मंगाई है बच्चों के लिए। चल 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 यार। अच्छा डांस की तरफ भी ऐसे ही स्टेज उधर भी लगाया है? डांस की तरफ भी स्टेज वगैरह लगाया हुआ है। आ जाओ यार, अब उन्हें देख लेना। आ जाओ, उन्होंने कहना मैंने तुम्हें ये सरप्राइज देना था, तुम खुद ही देखते फिर रहे हो। चलो चल, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत कमाल है रेंज हुआ है। और अभी यार ज़रा मुझे जल्दी जल्दी से सैलून पे छोड़ दो, बिकॉज मैं टू मच लेट हूँ अभी। जी मैं आ गया हूँ, सैलून पहुँच चुका हूँ। असद भाई, ओ बड़ी दुनिया आए आए। ओ मेरी जान, मेरी जान, मेरा वीर, पूरिया तैयारियां हो रही हैं। तुसी कर लिया गर्मियां से नहीं कर रही? यार टांग काके समान। 12 seconds later। कि मैं अभी इधर पहुंच गया हूं, तो टाइमिंग का इशू हो गया, तो इसलिए इवेंट भी हमें जल्द ही ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत ये मुश्किल हो गया, बड़ा अजीब सीन हो गया, ये सब बहुत परेशान है, अबू बहुत परेशान है। अभी हमारे गेस्ट वगैरह भी नहीं आए, तो टाइमिंग का इशू हो गया, वो कह रहे हैं कि अभी बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वहाँ से भी वैसे ही निकल आया, कल का ही नहाया हूँ, बाल वगैरह भी कल के ही बने हैं, फेस वगैरह भी सुबह उठ के ही वॉश किया है, वैसे ही मैंने वैसे के वैसे कपड़े पहने और पहन के इधर आ गया हूँ। और माशाल्लाह सेटअप तो आपने पहले ही देख लिया है कि कैसा लगा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप लगा है। अभी देखते हैं कि खाना खाने का टाइम मिलता है या नहीं, ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। अज सी बन गई सेरे दिया लड़ियां, खाने सलाम जरा हक दा इमाम, ओनू लखा ने सलाम जरा हक दा इमाम, जरा मोमिन दे दिल विच वसदा ओदे नाम तो सदके जावा, जमर अली अली बिरद पकावे जावा पिटा चोला ताजी गाना बेटा तू है पिटा चोला चिट्टा चोला चिट्टा चोला चिट्टा चोला।
दादा भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेहर भाई इतने मेरे ना भी एक मिनट ना ना सारे मेहमान भाजी मेहर भाई भाजी यार हो गए जी मेरे स्कूल की मैम आई है तो अभी मैं उन्हें खुद लेने जा रहा हूँ, दिखाऊंगा नहीं लेकिन उन्हें खुद मैं रिसीव करने जा रहा हूँ। जी हुआ हमारे साथ कुछ ऐसा कि 9:40 थे, मैं घर से ऐसे ही मैं निकल गया पार्लर के लिए, वहाँ कपड़े भी मैं साथ ले गया कि वहीं रेडी शेडी होके तो वहीं से निकल जाऊंगा इवेंट पे। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं अभी पहुंचा था तो अभी 9:14 थे और अब्बू की मुझे कॉल आती है, सोनू कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं इधर हूँ सैलून पे। तो अब्बू कहते जल्दी से इधर आओ, कितना टाइम है अभी तुम्हें? ठीक है। तो अब्बू मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है? तो अब्बू कहते कि यार जिन्होंने हमें इवेंट के लिए जगह दी थी ना, हमने अपना ही सेटअप लगाया हुआ था, कोई हॉल वगैरह नहीं बुक किया था, अपना ही सेटअप था, तो जिनकी जगह थी उनकी अब्बू को कॉल आई कि आप 10 तक इवेंट अपना कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने मेहंदी की नाइट भी उन्होंने यही बोला कि आप यहाँ स्पीकर वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने स्पीकर वगैरह बिल्कुल नहीं यूज़ किए मेहंदी की नाइट भी, हम तब भी ज़रा थोड़े परेशान थे, आपको पता है कि स्पीकर के साथ ही शादी लगती है, इवेंट लगता है, तो बड़ी मुश्किल से ये मेहंदी की रात हमने थोड़ा सा ये याहली मुश्किल कुछ आयली हमने कसीदा सुना है, इसी पे हमने वाइंड अप कर दिया। तो हमने स्पीकर्स वगैरह वैसे नहीं यूज़ किए गानों के लिए या किसी चीज़ के लिए हमने नहीं यूज़ किए, तो वलीमे पे तो बिल्कुल भी हमने यूज़ नहीं किया। तो अभी इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अभी हम पहुंचे भी नहीं थे, इवन गेस्ट भी नहीं वहां पहुंचे हुए थे। तो अब्बू की मुझे 9:14 पे कॉल आती है कि सोनू वो इवेंट कह रहे हैं कि 10 तक आपने क्लोज करना है। तो अब्बू इतने परेशान, मैं भी वहां चेयर पे बैठा ही था कि बाल वगैरह भी वॉश करूंगा, बाल वगैरह बनवाऊंगा, थोड़ा आपको पता है कि सेटमेट होना पड़ता है, बियर्ड वगैरह बनवानी थी मैंने, और ये देखें आप बिल्कुल रफ है मेरा बियर्ड, डार्क सर्कल्स वगैरह भी ये भी कवर करने पड़ते हैं। असद मुझे कह रहा था कि भाई आप फेस तो वॉश कर लें, आप ऐसे तो करें वैसे तो करें, लेकिन इतनी जल्दी में वही मैंने कपड़े पहने हैं जस्ट, और कपड़े पहन के जैसे मैं मेहंदी की नाइट का बैठा हुआ था
वैसे के वैसा ही मैं वहां पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो थोड़ी ही देर बाद इवेंट उन्होंने बंद करवा दिया। तो शुक्र यह है कि जो खाना बनाया था वो जितने गेस्ट थे उन्होंने खा लिया, ये शुक्र है अल्लाह का। तो अबू भी बहुत ज्यादा परेशान थे, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था, हमारी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी। तो इस हवाले से मैं बहुत, यानी आपको पता है कि शादी एक ऐसा इवेंट है तो इंसान इसे खुल के एंजॉय करता है, लेकिन मेरी शादी पे ऐसा कुछ हुआ। तो ये बात आपको मैंने बतानी थी। तो बाकी आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबने मेरे फ्यूचर लाइफ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआएं करनी है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, जितने आप सब्सक्राइबर्स हैं मेरे प्यार करने वाले। और चलें आ जाएं, अब कंटिन्यू करते हैं उस वीडियो को। ये शामीर है और ये मेरे व्लॉग्स वगैरह भी देखता है, माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है। इसने बोला था कि मुझे व्लॉग में लेना है, ठीक है ओके। अब आप भी व्लॉग देखना, उसमें आप होगे, ठीक है, वलीमे के व्लॉग में ओके। ये हसन है और ये भी मेरे व्लॉग देखता है, ये भी माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है। तो इसने भी बोला कि भाई मुझे व्लॉग में ले, और मेरा छोटा भाई है माशाल्लाह बहुत प्यारा है। शहबाज ने मुझे बोला है कि भैया आपने दोनों मेरे भाइयों को व्लॉग में ले लिया, आपने मुझे नहीं लिया व्लॉग में। तो मैंने स्पेशल, मेरा मोबाइल बबल के पास था, मैंने बबल से मोबाइल मंगवाया, तो मैंने कहा मैं अपने छोटे भाई दोनों भाइयों को फिर से लेता हूँ व्लॉग में, ठीक है। अब खुश हो जी, अभी इवेंट एंड हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आप सारा सामान खुल रहा है। और मेरी भाई ने और बहू जी ने ये शूट किया है, भाईजान ने माशाल्लाह, क्या नाम है, खालिद भाई, खालिद भाई ने बहुत कमाल शूट किया है। मेरी शादी का जितना शूट है वो मेहर भाई उमेश भाई लोगों ने किया है, और हमारे वीडियोस जो कसीदा नुहा इनके वीडियोस जो होते हैं वो भी मेरी भाई करते हैं। इनका पेज है ए आर स्टूडियो एफ एस डी, आप इनसे काम करवाएं, माशाल्लाह ये तो ऑलरेडी बहुत फेमस है। और जिसने भी नुहा कसीदा या किसी सॉन्ग का वीडियो भी करना हो, नात का भी करना हो, किसी टाइप का भी वीडियो हो, तो आप उमेर भाई उमेश भाई से करवाएं। हमारा भी जितना, मेरे अबू हसन सादिक साहब का, रजा भाई का, जितना हमारा वर्क होता है वो उमेर भाई लोग ही करते हैं। अभी भी बहुत अच्छा शूट किया है, अभी मैं वही देख रहा था, माशाल्लाह बहुत कमाल शूट किया है इन्होंने। आपकी मोहब्बत है जी, थैंक यू। ए वाओ बहुत अच्छे, बहुत आला, बहुत आला, थैंक यू। अच्छा ये अबू भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी इवेंट के बाद, तो क्या फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ शुक्र है, अल्लाह खैर। लो जी, सोनू भाई दे कोल मोबाइल नहीं सी क्योंकि जदों दी शादी दे विच मसरूफ ने। ए मेरे भाई ब्लॉग चाना चाहते हैं, ठीक है ओके इजी आ गए हो। लोटा लोटा बम बम बम, तू भी लोटा मैं भी लोटा बम बम। One hour later, मैं भी घर आया हूँ और चेंज वगैरह भी किया है, बहुत ज्यादा थक भी गए हैं और शाम का उठा हुआ हूँ, अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया, अभी 3 बज गए हैं रात के। और भाभी लेके आई है खाना, रजा भाई की वाइफ, ये देखें जरा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी और भी खाना आ रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है सारा ही खा लूं, जितनी मुझे भूख लगी हुई है। चले भी मैं खाना खा लूं, और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। आई होप आप सबको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद खुदा हाफिज़।